तो हम फाइनली निकल चुके हैं और आप ये देख सकते हैं रोड पर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही है। और ये जो आपको कैंट से आपको इसकी दूरी 5 किलोमीटर पड़ेगी, आप ऑटो से भी जा सकते हैं और अगर अपने निजी साधन से जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। और अगर आपको कभी बनारस घूमना हो तो आपको सबसे अच्छा टाइम सुबह का ही रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम आपको गर्मी से भी राहत मिल जाएगी और जो कि सुबह सुबह आपको घाट के किनारे का घूमने का कुछ मज़ा ही और है। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप लोग सुबह आइए, और आरती वगैरह देखना हो तो शाम को आप आ सकते हैं। दहासम्यु घाट पे आरती होता है और ये गुदुलिया चौराहा है, यहाँ से आपको दहासम्यु घाट 1.5 किलोमीटर पड़ेगा और यहाँ से मंदिर की भी दूरी 2 किलोमीटर होगा करीब। तो हम आपको 80 घाट की तरफ ले चल रहे हैं और इस साइड में देख सकते हैं IPBJ मॉल है। तो हम आपको 80 पे ले चल रहे हैं, तो बस सीधा रास्ता चलना है आपको। और ये दुर्गा कुंड पहुँच चुके हैं। दुर्गा कुंड भी बनारस का एक बहुत ही महान तीर्थ स्थल है, यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर माँ देवी विराजमान है और हम चल रहे हैं 80 घाट की ओर, 80 चौराहा पहुँचने वाले हैं। 80 चौराहा पहुँच के 80 घाट के पास ही पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हैं 80 घाट पे आ गए हैं फाइनली। और इस वक्त आए हैं, बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि अभी आरती स्टार्ट होने जा रही है। ये सभी भक्त बैठे हैं लाइन से, देख सकते हैं, और आरती का कार्यक्रम ये सब चल रहा है। सभी देवी चरणों में आरती होने जा रही है। तो आप सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।